वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और उसमें बायट सावर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन का डेरिवेशन हमने किया था। उसी के रिगार्डिंग अगर मैं कंपटीशन प्रोफाइल पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं, तो देखिए बच्चों किस तरह के सवाल बनेंगे। उसकी थ्योरी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड कॉइल, वो हमें पता है म्यू 0 अपॉन 2 r, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अगर n ग्रेटर देन 1 है यानी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो n टाइम्स हो जाएगा। लूप ऑफ करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, अगर हम लें छोटा सा टुकड़ा, तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी लॉ लगाते हैं। बच्चों यूनिटरी लॉ लगाकर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर एंगल 360 डिग्री है या 2 पाई रेडियन है, 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, तो मैग्नेटिक फील्ड एम यूज रहे अपॉन 2 पाई आर। तो अगर अल्फा होगा, सॉरी म्यूज रहे अपॉन 2 आर, तो अगर अल्फा होगा एंगल अल्फा रेडियन में, तो नीचे 2 पे आ जाएगा यूनिटरी लॉ से, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। और इसको हम बी 0 अपॉन 2 पाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मेट फॉर्मूले के, अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं यूनिटरी लॉ से इसको आपको लिखकर बता देता हूं बच्चों ये किस तरह से होगा। तो हमें पता है कि जो लूप होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर होता है बी जीरो म्यू जीरो आई अपॉन टू आर, यानी लूप है सर्कुलर सिमेट्री है तो वहां पाई नहीं आएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके लिए एंगल रिस्पॉन्सिबल है पूरा का पूरा 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। तो अगर एंगल 2 पाई रेडियन है तो मैग्नेटिक फील्ड है बी जीरो, अगर एंगल 1 रेडियन हो तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी जीरो अपॉन 2 पाई, और अगर एंगल अल्फा रेडियन हो, थीटा रेडियन, अल्फा रेडियन, फाई रेडियन कुछ भी ले सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू जीरो इनटू अल्फा अपॉन 2 पाई, यूनिट इज टेस्ला। तो बच्चों यही फॉर्मूला है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। अलग अलग सिचुएशन में सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, अभी यहां पर हुआ क्या कि करंट आई और पॉइंट ए पर करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड दो पार्ट में। तो चाहे ये कैसे भी दो पार्ट हो, अच्छा करंट जाने का रास्ता ये है, तो एक ये छोटा आर्क है एसी, एक बड़ा आर्क है एबीसी। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आएगा 1:1। बच्चों दो नंबर में डेरिवेशन आता है एग्जाम में, बोर्ड में, और कंपटीशन के लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है बी ए बी सी अपॉन बी ए डी सी, इट इज 1:1 एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। आप देख रहे हैं एडीसी की वजह से बाहर की तरफ, एबीसी की वजह से अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज यानी इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज यानी आउटवर्ड्स, तो कैंसिलेशन हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बोथ द आर्क इज एट सेंटर ऑफ द सर्किट लूप इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो बी जीरो बी नेट इज जीरो। इट इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम एंगल ऑफ कनेक्शन ऑफ टर्मिनल्स, कहीं भी जोड़ किसी लूप के सर्कमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। वायर ऑफ सर्किट लूप इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब यहाँ ये कंपटीशन वाला एस्पेक्ट आ गया। जो तार है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो, थिकनेस सेम मटेरियल डिफरेंट, तो मटेरियल अगर अलग है थिकनेस अलग है तो उसका असर क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क एबीसी एंड एडीसी, एबीसी की वजह से म्यू जीरो a1 अपॉन 4 r। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिए हमने, डायमेट्रिकली अपोजिट, व्यासतः अभिमुख हिंदी में कहते हैं। तो व्यासतः अभिमुख दो बिंदु लेने पर ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा,
म्यूजर आई वन अपॉन फोर आर इनवर्ड्स ऊपर वाले हिस्से की वजह से क्लॉकवाइज, नीचे वाले के म्यूजर आई टू अपॉन फोर आर आउटवर्ड, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद सोर्स, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, वी इक्वल टू आई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम बोलेंगे आई जो है वो प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर हो गया रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस को क्यों लिया है आपको समझ में आ रहा होगा, थिकनेस मटेरियल। तो थिकनेस मटेरियल रेजिस्टेंस को क्यों लिया है? मैं आपको पुराना फॉर्मूला याद दिलाता हूँ बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको रटा हुआ होगा, एक तो आर इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, और एक और फॉर्मेट अगर मैं रॉ की वैल्यू भी रख दूं तो एम एल, एम यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास, एम एल अपॉन एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए ऐसा का ऐसा, उसके अलावा आता है टॉ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहे हैं। सो आई प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर, तो आर ए यू इज ग्रेटर देन आर ए जी। अब मान लीजिए ये जो है ऊपर वाला तो चांदी का है, नीचे वाला सोने का है ना, चांदी सोना चवन प्राश, तो चांदी का तार है ये, नीचे सोने का तार है, तो मत जाना बच्चों, चांदी का तार सोने का तार, तो चांदी का रेजिस्टेंस ज्यादा, सॉरी सोने का रेजिस्टेंस ज्यादा है बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर आर ए जी से, ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर। तो सोने में करंट कम होगी, चांदी में ज्यादा होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पर वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी जीरो नहीं होगा, समझ गए, बाकी सब सेम है, I1 is greater than, तो zero नहीं होगा। अच्छा thickness अगर अलग है तब क्या करेंगे? Again, BAD, BC, BAD, C, हमने दोनों निकाले, both arc are connected in parallel with source, V equal to IR, फिर अब की बार हमने क्या किया, R equal to royal by A, I proportional 1 upon R, R proportional 1 upon A, R का ये relation उठाया, thickness अलग अलग है, length दोनों की same है, thickness अलग अलग है, मोटाई अलग अलग, तो जिसकी थिकनेस कम होगी ये हो गया थिक एंड थिन, है ना, ऊपर मोटा तार है नीचे पतला तार है, तो आई थिक इज ग्रेटर देन आई थिन, और वैसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, आई थिक उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज्यादा होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब की बार म्यू जीरो अपॉन फोर आर ब्रैकेट में आई वन माइनस आई टू, क्योंकि ऊपर थिक वायर है तो इनवर्ड्स प्रीडोमिनेंट होगा, अंदर की तरफ ज्यादा होगा क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये हम डिराइव कर चुके हैं बच्चों, म्यू जीरो एन आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर टू पाई नीचे फोर पाई, नहीं तो टू पाई से फोर पाई कट गया तो नीचे टू रहेगा। बी एक्स कर्व, अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ, देन ग्राफ लुक लाइक दिस, बैल शेप्ड कर्व बोलते हैं इसको बच्चों, बैल शेप्ड कर्व ऐसा आता है, सेंटर पे सबसे ज्यादा, किनारे पे जाते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल, ये डिक्रीज होने लगता है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम बनाते हैं हेल्महोल्ट्ज़ अरेंजमेंट ऑफ कॉइल। हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिकली अबाउट द सेंटर ऑफ कॉइल, पी और क्यू दो ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्व का स्लोप चेंज हो रहा है, पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज, पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर, पॉइंट्स ऑफ जीरो कर्वेचर, ओके कर्वेचर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। D, points of inflection are r by 2 distance from the center of the coil, इतनी दूरी पर ये होते हैं। Separation between points of inflection is equal to radius of the coil, इन दोनों के बीच minus r by 2 से plus r by 2 r के बराबर है। Application of point of inflection is Helmholtz coil arrangement, तो Helmholtz coil arrangement हम किस लिए बनाते हैं, uniform magnetic field produce करने के लिए, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा तो दूसरी की वजह से बढ़ने लगेगा, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बीच में लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, प्रोवाइडेड दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो। तो इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इस पे जो बेस्ड है हेल्महोल्ट्ज़ अरेंजमेंट ऑफ कॉइल, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट रेंज, थोड़ी सी दूरी में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो हेल्महोल्ट्ज़, ज्यादा दूरी में प्रोड्यूस करना है देन यू हैव टू गो फॉर सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड। टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स एन आई एंड आर सेम प्लेस्ड एट डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर पर, प्लेन्स ऑफ बोथ द कॉइल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, करंट डायरेक्शन इज सेम इन बोथ कॉइल्स ऑब्जर्व फ्रॉम सेम साइड, अदरवाइज दिस अरेंजमेंट इज नॉट कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़।
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल सर्किट लूप विच इज मेड अप बाई यूनिफॉर्म वायर इज ऑलवेज जीरो. वायर यूनिफॉर्म है, सेम मटेरियल है तो हमेशा जीरो होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल क्या लिया. स्क्वेयर है तो हम देख सकते हैं सिचुएशन ये, यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, स्क्वायर के केस में भी. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भी हम स्थिति को समझ सकते हैं, क्यूब है तो भी हम समझ सकते हैं. फॉर द अरेंजमेंट मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल कॉइल्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों. परपेंडिकुलर प्लेन में अरेंज कर दिया. डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा तो एक का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट हो जाएगा बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर. अगर ये कुछ एंगल पर होते तो अलग सिचुएशन होती, हम अकॉर्डिंगली वेक्टर एडिशन करते हैं. अभी परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल निकालना है, तो जैसे हम परपेंडिकुलर वेक्टर में निकालते थे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स या क्यू बाय पी, तो यहाँ आ जाएगा बी टू अपॉन बी वन. आइडेंटिकल कॉइल्स हैं बिल्कुल एक जैसी तो बी वन बी टू के बराबर हो जाएगा, तो रूट टू टाइम्स हो जाएगा और थीटा हो जाएगा 45 डिग्री. तो ये आप एक्टिविटी खुद करके देख सकते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन हमें निकालना है सेंटर ओ पर, तो ये जो थ्री फोर्थ लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, और ये जो वन फोर्थ लूप है जिसकी रेडियस अलग है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ. तो यहाँ पर थ्री फोर्थ लूप की वजह से म्यू जीरो अपॉन टू ए, यहाँ आना चाहिए डॉट जो मिसिंग है, और सॉरी डॉट क्यों आएगा, क्रॉस ही आएगा. क्लॉकवाइज करंट इसकी वजह से भी अंदर की तरफ और उसकी वजह से भी, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में एड हो गया तो कंबाइंडली क्रॉस. ये वन फोर्थ पार्ट है, बस अंतर यह कि रेडियस यहाँ पर ए है और यहाँ रेडियस बी है, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ा. तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं इस पे. आप खुद क्वेश्चन बनाकर एक दूसरे को चैलेंज दे सकते हैं बच्चों कि ये सिचुएशन है इसको सॉल्व करना है, ऐसे करके आप खुद भी सवाल बना सकते हैं. ए वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क विद ए स्ट्रेट पोर्शन ए बी, तो अभी यहाँ पर ए बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा. करंट जा रही है ए बी में जिस तरफ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स, और लूप की वजह से भी इनवर्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. सवाल ये उठता है कि ए बी का कंट्रीब्यूशन होगा कितना, तो एंगल थीटा में दिया हुआ है तो थीटा के टर्म्स में निकलेगा. तो दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने आने चाहिए, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पर आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, ये ए बी की वजह से म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ओ सी इंटू 2 साइन थीटा, ये हमने फॉर्मूला लगाया. कौन सा वाला, स्ट्रेट वायर वाला. अब OC को कन्वर्ट किया हमने, OC R cos थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई R tan थीटा. सर्कुलर पोर्शन की वजह से अगर हम निकालें तो ये जो एंगल है बड़ा वाला वो 2 पाई माइनस 2 थीटा है, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा आ गया अल्फा की जगह, बाकी नीचे 2 पाई ऐसा कैसा. अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों का समेशन हो जाएगा, तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी हो चाहिए. यहां हम देख रहे हैं प्लेन चेंज हो रहा है ना, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिखाएं वो ये दिखाने के लिए कि किस प्लेन में है. एक लंबा तार है उसको हमने इस तरह से मोड़ दिया, यहाँ इधर एक्सटेंशन इन्फिनिटी तक है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट सी पर, और ये जो दूसरा जा रहा है उसकी वजह से भी होगा. डायरेक्शन आप लगाकर देखें, जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से होगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, और इधर जो आ रहा है वापस बाहर स्ट्रेट निकल रहा है उसकी वजह से भी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, जबकि लूप की वजह से भी होगा, सॉरी लूप की वजह से तो किधर होगा, हाँ लूप की वजह से इनवर्स होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो ये हमने ड्यू टू सेमी सर्कुलर पार्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन माइनस आई कैप आ गया, आधा लूप है ना, म्यू जीरो अपॉन फोर है. ड्यू टू पैरेलल पार्ट्स ऑफ इन दो की वजह से बी टू ट्वाइस कर दिया, दोनों एड हो रहे हैं, माइनस के कैप नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो बी नेट इन सबका हम एडिशन कर देंगे. और जब ये आई और के की फॉर्म में आ चुका है तो हम इसको रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है. यू कैन डू दैट. तो वीडियो पॉज कर करके आप सॉल्यूशन नोट भी कर सकते हैं बच्चों, पहले खुद से सॉल्व करके देख लें. एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये सब के सब बेस्ड है सेम कंसेप्ट पर, कोई सा भी आपको पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर.
आई विल एक्सप्लेन टू यू कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना कैसे वगैरह वगैरह. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस इट. तो उसके बाद हम एम्पियर सर्किट और लॉ पढ़ेंगे. तो बच्चों बायोट सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन यहाँ खत्म होती है. पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन यहाँ पर अगर करना है तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ क्वेश्चन नंबर टू की, तो बोर्ड ले लेता हूँ मैं. Here is question number 2. Second का A. तो हम देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज होने से इनवर्ड्स और कितना होगा वो होगा बच्चों म्यू जीरो करंट है आई अपॉन आधा लूप है तो 4R. 2R का भी रेडियस 2R थी. अगर R होती तो 1/4R होता तो यहां पर एक 2 का फैक्टर और आने वाला है. एक 2 का फैक्टर और है 4 × 2R. बस ये ध्यान रखना है किधर आउटवर्ड बाहर की तरफ. फिर जो स्ट्रेट पार्ट है इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है बच्चों, एक्सिस के अलोंग आ जाता है ये पॉइंट, उसी एक्सिस के अलोंग आ गया. स्ट्रेट पार्ट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. जो नीचे सेमी सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से फिर होगा और उसकी वजह से भी बाहर की तरफ होगा. तो हम इसमें जोड़ देंगे म्यू जीरो आई अपॉन, अब की बार रेडियस आर है तो आधा लूप है वैसे 2R होती है, अभी 4 × R एंड आउटवर्ड्स. तो सिंपली कॉमन फैक्टर निकाल के हम रिजल्टेंट निकाल. तो ऐसे आपको हर पार्ट करना है, ऐसे आपको समझना है. जैसे फोर्थ वाले की बात करें अगर, तो बच्चों इस तार की वजह से जो एक साइड एक्सटेंडेड है अप टू इंफिनिटी, मेरे पुराने लेक्चर देखोगे इसमें मिल जाएंगे तुम्हें सबके सॉल्यूशन इसके डिस्कशन. तो बच्चों आधा तार तो यहाँ आ गया इसकी वजह से भी इनवर्ट्स, और ये आधा तार नीचे आ गया इसकी वजह से भी इनवर्ट्स, और इस सेमी सर्कल की वजह से भी इनवर्ट्स, तीनों जुड़ जाएंगे. तो आधा और आधा तार मिला के पूरा तार हो जाएगा म्यूजरा अपॉन 2πR, और ये सेमी सर्कल हो जाएगा म्यूजरा अपॉन 4R और इनवर्ट्स आए. तो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है इन सब के लिए, और बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये रहने वाली है. तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.